मैं CMCAW राजशेखर बोल रहा हूँ। अभी हम बिदर में जो भी एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट जो भी रोड नाली के ऊपर बांधे सो है वो है, पूरा तमाम सिटी में हम क्लियर करने वाले हैं। अब ये चांदसिया कमान से अब दरगाह तक आज काम चालू करें, कल हम आदर्श कॉलोनी में भी एनक्रोचमेंट निकाले हैं। अभी पूरा सिटी में जो जो नाली के ऊपर है वो पूरा निकल के बारिश के मौसम में पूरा नाली में पानी क्लीन होना थ्रो होना बोल के वो काम से ये पहला काम चालू करें। हर साल ये प्रॉब्लम होता है चांदसिया कमान से इधर, इसलिए वो निकालने के लिए हम ये बार कोशिश चालू है पूरा निकाल देते। और दूसरे तरफ भी काका भी एनक्रोचमेंट है पूरा निकाल के ये काम नाली का काम सीधा करके पानी हमारे सिटी में कहीं भी रुकना नहीं बोल के ये काम करने का हमारा कोशिश है। सर यहाँ पर जो शांगश कमान से दरगाह तक आप लोग डिमोलिश कर रहे हैं और नाली साफ कर रहे हैं, क्या ये बिदर होल सिटी में होगा? हाँ वो होल सिटी काका भी एनक्रोचमेंट है पूरा निकाल देते हम जयपुर होल सिटी के। हाँ पूरा होल सिटी काका भी प्रॉब्लम है वो पूरा निकाल देते हैं। कोई किसी के कट्टे वगैरह जो बने हुए नाली पे जो हाँ निकलते पूरा निकलते। कई लोगों के क्या कह रहा है सब जगह निकाल रहे हैं जितने भी निकाल रहे हैं सब कुछ रिकमेंड चल रहा है। नहीं सर जहाँ पे भी पूरे जगह पे होगा। हाँ एक गली लेके के करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे सर। हाँ कंटिन्यू करिए नहीं करते सब, हमारा कमिश्नर बहुत एक्टिव पर्सन है और वो 24/7 काम करते कमिश्नर साहब, और हमारा टीम पूरा टीम इधर ही लगा के जो जो भी प्रॉब्लम्स है निकल के, और पब्लिक भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करना, एनक्रोचमेंट नहीं करना और नालियों में कचरा नहीं फेंकना, ये हमारा कोशिश है सिटी क्लीन करना बोल के हमारा इरादा है। बारिश से पहले पूरा काम हो जाएगा? हाँ बारिश से पहले पूरा ऑलमोस्ट ऑल सिटी का जो नाली ब्लॉकेज है पूरा निकाल देते हैं। नालियों में कचरा फेंकने का और एक वजह है रोजाना जो गार्बेज कलेक्टर है। हाँ हमारा गाड़ी डेली रूटीन पे आ जाता है, डेली कमर शीट पे दो टाइम आता है और गलियों में अल्टरनेट आता रहता है। पब्लिक की प्रॉब्लम ऐसा शिकायत आ रही है सर, डेली गार्बेज कलेक्टर नहीं आ रहा और नहीं आते वाले भी नहीं आ रहे, आते आते जाने वाले भी आते हैं, गार्बेज भी आते हैं, पूरा लोग आते हैं। हम अभी हमारा टीम में बढ़ाने वाले हैं जो पब्लिक बोल रही है उसके बारे में क्या बोले? नहीं थोड़ा लेबर कम है तो भाई बढ़ा के हमारा कमिश्नर साहब बोले हैं, इस सबसे डिस्कस करके जो शॉर्टफॉल है वो पूरा फुलफिल कर देते हैं। पिछले 2-3 सालों से इस इलाके में जो है ड्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि इधर पे जो है पुरानी बस्ती है जिसका जो है ड्रेन का जो है लेवल नीचे है। नया डिमोलिशन होने के बाद में 50 फीट का रोड हुआ, ये होने के बाद में जो है थोड़ा सा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाने की वजह से लोग जो है इंक्रोचमेंट भी बहुत कर दिए थे नालियों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ड्रेन ब्लॉक हो रहा था। तो इसके लिए हमने लीगल अथॉरिटी से कंसल्ट किए, यहाँ के सब लोग अपनी अपनी परेशानी जो है जाहिर की उन लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम इस पर जो है एक ड्रेन क्लीन का जो है ड्राइव चलाएंगे पूरा हम, और जो है लोकल रेजिडेंट की क्या है प्रॉब्लम उसको जो आगे देखेंगे बोल के हमारे काउंसलर साहब जनाब दाऊद साहब भी जो है इस पर लोगों की जो तकलीफ़ थी उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि 2 साल से लोग बोल रहे थे ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से मुकम्मल ड्रेन की सफाई यहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए जो है आज काम हो रहा है, अच्छा है, सराहने लायक है। कभी बल्दिया कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करते हैं मेडम अली साहब, और जितने भी जो है पुलिस वगैरह सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे सब लोग उनको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं भी हैं, तो ये एक अच्छा कदम है। लोगों का कोऑपरेशन है और आप खुश हैं? बिल्कुल जो है कोऑपरेशन है लोगों का, प्रॉब्लम वगैरह नहीं है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और जो भी लोग कमर्शियल यहाँ पे चला रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में भी जो ड्रेन के इनसाइड एरिया जो होता है उसी पे जो है अपना काम करें और इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि आने वाले दिनों में भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। लोग भी अपने जो है घरों के आसपास पूरा जो है सफाई का माहौल रखें, जो स्वच्छ भारत की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उसी में गार्बेज को जो है डंप करें, तो इससे जो है हमारा शहर भी साफ़ सफाई रहेगी। सिर्फ पर्टिकुलर एक जो है डिपार्टमेंट को ही हम दोष नहीं दे सकते ना, एक शहरी के अच्छे शहरियों का भी होने का भी सबूत देना चाहिए, और सब लोग जिम्मेदारी से इस चीज़ को जो है अगर समझेंगे और डिपार्टमेंट से भी जो है तावन हासिल करेंगे तो तब जा करके जो है हमारा बिदर भी जो है बहुत साफ़ सुथरा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज कुरैशी है और मैं यहीं का रेसिडेंट हूँ। लाइटिंग खोल के निकल।
बोले तो गाड़ी गाड़ी लाना पड़ेगा।